हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके जी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने एलडीआर सुपरवाइजर का 170 नंबर का जो है वो 170 क्वेश्चंस का जो है वो मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। काफी दिन से इसकी डिमांड भी थी, तो शुरू करते हैं। काफी लंबा पेपर है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको कम्प्लीट करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईसीसी प्रोग्राम कितने घंटे का होना चाहिए? ए 4 घंटे, बी 3 घंटे, सी 5 घंटे, डी 4.5 घंटे। ईसीसी प्रोग्राम कितने घंटे का होना चाहिए? ए 4 घंटे, बी 3 घंटे, सी 5 घंटे, डी 4.5 घंटे। आंसर देखते हैं। ईसीसी प्रोग्राम जो है वो 4 घंटे का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 30 बच्चों के लिए जो इंडोर क्लास रूम है उसका एरिया कितना होना चाहिए? जो पढ़ाने के लिए जो क्लास रूम होता है उसका एरिया कितना होना चाहिए 30 बच्चों के लिए? ए 25 वर्ग मीटर, बी 30 वर्ग मीटर, सी 35 वर्ग मीटर, डी 40 वर्ग मीटर। ठीक है, आंसर देखते हैं। 25, 30, 35 या 40। तो 30 बच्चों की क्लास के लिए जो है वो 35 वर्ग मीटर एरिया होना चाहिए। आउटडोर एरिया 30 वर्ग मीटर चाहिए और जो इंडोर एरिया है पढ़ाने के लिए वो 35 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में कुल कितने आकलन किए जाते हैं? जो असेसमेंट कार्ड्स हैं उसमें कितने आकलन किए जाते हैं वर्ष में कुल? ए 3, बी 4, सी 2, डी 6। आंसर देखते हैं। तो वर्ष में कुल जो है वो 4 आकलन होते हैं, 3-3 महीनों के ऊपर जो है उपरांत जो है वो आकलन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, VHSNC की फुल फॉर्म क्या है? ए ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, बी ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण समिति, सी ग्रामीण स्वच्छता एवं पोषण समिति, या डी नन ऑफ दीज। तो आंसर देखते हैं। VHSNC की फुल फॉर्म है ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी। ठीक है, विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा दिवस है सीबी डे में विशेष रूप से पति को उन्मुख करने पर ध्यान रखता है? कौन सा दिवस जो है विशेष रूप से पति को उन्मुख करने पर ध्यान रखता है? ए अन्नप्राशन दिवस, बी सुपोषण दिवस, सी गोद भराई दिवस, डी ममता दिवस। ए अन्नप्राशन दिवस, बी सुपोषण दिवस, सी गोद भराई दिवस, डी ममता दिवस। तो आंसर देखते हैं। तो जो सुपोषण दिवस है वो विशेष रूप से पति को उन्मुख करने पर ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबी गतिविधियों की अवधि जो है वो कितनी होनी चाहिए? सीबी गतिविधि की अवधि कितनी होनी चाहिए? ए आधे से एक घंटा, 1 से 1.5 घंटा, 2 से 2.5 घंटा, या 3 से 4 घंटा। आधे से एक घंटा, 1 से 1.5 घंटा, 2 से 2.5 घंटा, या 3 से 4 घंटा। तो सीबी गतिविधि जो है उसकी अवधि जो है वो 1 से 1.5 घंटा होनी चाहिए, ठीक है, जो एक सीबी गतिविधि जो हम करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रति कार्यक्रम सीबी गतिविधि की राशि कितनी है? ठीक है, प्रति कार्यक्रम सीबी गतिविधि की राशि कितनी है? ए 125 रुपए, बी 250 रुपए, सी 500 रुपए, डी 1000 रुपए। तो प्रति कार्यक्रम सीबी गतिविधि की राशि कितनी है? आंसर देखते हैं। आंसर है 250 रुपए, ठीक है। एक और पूरे माह में 2 सीबी गतिविधि होती है तो 500 रुपए मिलते हैं माह के, ठीक है, 250 रुपए प्रति सीबी गतिविधि मिलते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ए जिनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। तो ए जिनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। आंसर देखते हैं। WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, और 1948 में इसका जो है वो गठन हुआ था 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 9, 2020-21 के भारत सरकार के बजट में PMVY के लिए कितना जो है आवंटन किया गया था? ए 2000 करोड़ रुपए, बी 2200 करोड़ रुपए, सी 2500 करोड़ रुपए, डी 3000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ए 2020-21 के बजट में PMVY के लिए जो है वो 2000 करोड़ रुपए का किया गया था, या 2200 करोड़ का, या 2500 करोड़ का, या 3000 करोड़ का। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर है इसका 2500 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी कि 2500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 के बजट में, 2020-21 के बजट में पोषण अभियान के लिए कितना जो है वो फंड जो है आवंटित किया गया था? ए 3000 करोड़ रुपए, बी 3700 करोड़ रुपए, सी 4300 करोड़ रुपए, यानी 4300 करोड़ रुपए, डी 5000 करोड़ रुपए। आप अपना आंसर चूज कर लिए, हम आंसर देखते हैं। आंसर है इसका 3700 करोड़ रुपए। 2020-21 के बजट में पोषण अभियान का जो बजट है वो 3700 करोड़ रुपए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल ईसीसी पॉलिसी कब लागू हुई? नेशनल ईसीसी पॉलिसी
कब लागू हुई? ठीक है, 2009, बी 2011, सी 2013, डी 2015। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। तो नेशनल ईसीसी पॉलिसी जो है वो 2013 को लागू हुई। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में डेट लिख सकते हैं, किस डेट को लागू हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ कब लागू हुई? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ की फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा कब लागू हुई? ए 2001, बी 2002, सी 2004, डी 2005। आंसर देखते हैं, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है एनसीएफ, वो 2005 में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद जो पहले कितने संस्कार जो है वो ईसीसी अवधि के हैं, यानी कि पहले 6 साल के कितने, पहले 6 सालों में जो है वो कितने संस्कार जो है वो हमारे कवर हो जाते हैं, उसमें गर्भधारण का पीरियड भी हमने जोड़ा हुआ है। ए 4, बी 5, सी 8, डी 9। ए 4, बी 5, सी 8, डी 9। तो पहले जो 9 संस्कार हैं वो गर्भधारण से लेकर और 6 वर्ष तक के हैं। ठीक है, जिसमें पहले 4 संस्कार जो हैं वो गर्भधारण तक के हैं और जन्म से लेकर 6 साल तक के 5 संस्कार हैं, तो टोटल 9 संस्कार हो जाते हैं ईसीसी अवधि के। ठीक है, गर्भधारण से लेकर 6 वर्ष तक। आरटीई एक्ट की किस धारा में ईसीसी का वर्णन है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की किस धारा में जो है वो ईसीसी का जिक्र किया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का? ए धारा 8, बी धारा 11, सी धारा 15, डी धारा 45। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, आरटीई एक्ट की जो है वो धारा 11 जो है वो उसमें ईसीसी का जिक्र किया गया है। ठीक है, प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात जो है वो धारा 11 में की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है वो ईसीसी से जुड़ा है, यानी कि 6 साल तक के बच्चों से जो है संबंधित है, जन्म से 6 वर्ष के बच्चों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो है वो जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों से जुड़ा हुआ है, ईसीसी से जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 11, आर्टिकल 45, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 11, आर्टिकल 45, आर्टिकल 32। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 है वो 0 से 6 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है, ईसीसी की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंजीरी यानी न्यूट्रीमिक्स में प्रति 100 ग्राम पर कितने माइक्रोग्राम आयरन जो है वो होता है? न्यूट्रीमिक्स के अंदर जो है फोर्टिफाइड है, ये भी न्यूट्रीमिक्स भी याद रखना आपने, फोर्टिफाइड आता है, नमक भी फोर्टिफाइड आता है, बिस्कुट भी फोर्टिफाइड आता है, तेल भी फोर्टिफाइड आता है। तो जो हमारा फोर्टिफाइड पंजीरी है उसमें जो प्रति 100 ग्राम में कितना आयरन होता है, माइक्रोग्राम, कितने माइक्रोग्राम आयरन होता है? 6 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम, 0.35 माइक्रोग्राम या 4 माइक्रोग्राम? तो आंसर देखते हैं, पंजीरी में जो प्रति 100 ग्राम जो है वो 6 माइक्रोग्राम जो है वो आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एचपी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब, किस वर्ष जो है उसकी डेट क्या है, किस वर्ष का है ये? ए 2002 का है, बी 2004 का है, सी 2006 का है, डी 2008 का है? एचपी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब का है ये? 2002, 2004, 2006, 2008। आंसर देखते हैं, आंसर है इसका 2006 का, एचपी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है वो 2006 का है। क्वेश्चन नंबर 8, एचपी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग, पैकिंग और लेबलिंग रेगुलेशन एक्ट की क्या डेट है, तो ये किस वर्ष का है? एचपी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पैकिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन एक्ट किस डेट का है? ए 2011, बी 2013, सी 2015, डी 2017। तो एचपी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पैकिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो 2011 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 100 ग्राम के खाद्य पदार्थ में कितना प्रोटीन कम से कम जरूरी है? प्रति 100 ग्राम के खाद्य पदार्थ में कितना प्रोटीन कम से कम जरूरी है? 9.20 ग्राम, 11.20 ग्राम, 13.20 ग्राम या 45 ग्राम? प्रति 100 ग्राम के खाद्य पदार्थ में कितना प्रोटीन कम से कम जरूरी है? 9.20, 11.20, 13.20 या 45 ग्राम? तो आंसर देखते हैं, तो प्रति 100 ग्राम के खाद्य पदार्थ में जो है वो 11.20 ग्राम प्रोटीन जो है वो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रति 100 ग्राम के खाद्य पदार्थ में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा कम से कम जरूरी है? ठीक है, प्रति 100 ग्राम के खाद्य पदार्थ में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा जो है डालना जो है वो कम से कम जरूरी है? ए 350 किलो कैलोरी, बी 400 किलो कैलोरी, सी 450 किलो कैलोरी या डी 500 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम के खाद्य पदार्थ में? तो आंसर देखते हैं,
तो प्रति 100 ग्राम के खाद्य पदार्थ में जो है वो 450 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है कम से कम जो है वो जरूरी है। एचपी स्टेट कंपोजिट टेस्टिंग लैब कहाँ पर है? एचपी स्टेट कंपोजिट टेस्टिंग लैब कहाँ पर है? ए शिमला, बी टूटू, सी कंडाघाट, डी चक्कर। ए शिमला, बी टूटू, सी कंडाघाट, डी चक्कर। एचपी स्टेट कंपोजिट टेस्टिंग लैब जो है वो कंडाघाट में है, ठीक है, कंडाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज नॉट फोर्टिफाइड इन बिस्कुट्स? तो बिस्कुट्स के अंदर कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सूक्ष्म पोषण जो है वो नहीं डाला गया है, फोर्टिफाइड नहीं किया गया है, अपने आप से नहीं, मतलब जो फोर्टिफाइड का मतलब जो डाला जाता है उसमें पोषक तत्व, तो सूक्ष्म पोषण कौन सा नहीं डाला गया है बिस्कुट में, आपके बाहर बिस्कुट के बाहर जो है वो कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसका हमने वीडियो भी बनाया है, आप वहां पे भी देख सकते हैं, तो उसका जिक्र होता है, आयरन, कैल्शियम, नियासिन या मैग्नीशियम, कौन सा फोर्टिफाइड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिस्कुट में नहीं डाला गया है, तो आयरन, कैल्शियम, नियासिन या मैग्नीशियम, आंसर देखते हैं, तो जो मैग्नीशियम है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड जो बिस्कुट में जो है वो नहीं डाला गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, बाल पोषाहार टॉपअप योजना में कितने रुपए का टॉपअप प्रति लाभार्थी प्रतिदिन किया जा रहा है? बाल पोषाहार टॉपअप योजना में जो है वो बाल पोषाहार टॉपअप योजना में कितने रुपए का टॉपअप प्रति लाभार्थी प्रतिदिन किया जा रहा है? A2, B3, C4, D5। A2, B3, C4, D5। तो आंसर देखते हैं, बाल पोषाहार टॉपअप योजना में जो है वो 2 रुपए प्रति लाभार्थी प्रतिदिन किया जा रहा है, ठीक है। फिर है, कुपोषित बच्चों को बाल पोषाहार टॉपअप योजना जो है उसमें कितनी राशि प्रति लाभार्थी प्रतिदिन मिलेगी? A10 रुपए, B12 रुपए, C14 रुपए, D16 रुपए। एक चीज मैं अभी अभी आपको क्लेरिफाई करूंगा, आंसर देखते हैं पहले। तो कुपोषित बच्चों को बाल पोषाहार जो टॉपअप योजना है उसमें जो है 14 रुपए जो है वो प्रतिदिन प्रति लाभार्थी मिलेंगे, टॉपअप योजना में 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अगर जो आप किताब जो डाली है जिसमें से 30 से 40 क्वेश्चन आएंगे, जो ICDS की बुक है हमने उसमें भी डाली हुई है, तो उसमें 12 रुपए है, 2 रुपए टॉपअप योजना के जुड़ के 14 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अति कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपए का प्रावधान है, 9.5 रुपए गर्भवती का है, लेकिन जब टॉपअप के 2 रुपए जुड़ जाएंगे तो वो 9.5 से 11.5 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। 15वें वित्त आयोग ने प्रतिदिन प्रति लाभार्थी कितने रुपए की ग्रांट स्वीकृत की है? तो जो 15वां वित्त आयोग है उसने प्रतिदिन प्रति लाभार्थी कितने रुपए की ग्रांट जो है वो स्वीकृत किया, ये सारा जो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, ये आप प्लेलिस्ट में जाके WCD सुपरवाइजर जो भी प्लेलिस्ट है तो उसमें सुपरवाइजर के काफी सारे वीडियोस हैं, आप उनको देखें, ये सभी वीडियोस उसमें हैं, ये क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं, ठीक है, तो आप आंसर देख सकते हैं इसमें। 15वें वित्त आयोग ने प्रतिदिन प्रति लाभार्थी कितने रुपए की ग्रांट स्वीकृत किया? A2 रुपए, B3 रुपए, C4 रुपए, D5 रुपए, ठीक है, आंसर देखते हैं। 15वें वित्त आयोग ने प्रतिदिन प्रति लाभार्थी जो है वो 3 रुपए की जो ग्रांट है वो स्वीकृत की है, आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आशा की फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ऑक्सिलरी सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडिएटेड सोशल सोसाइटी हेल्थ एक्टिविस्ट या एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर देखते हैं, आंसर है जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है वो आशा की फुल फॉर्म है, और जो ANM की फुल फॉर्म है वो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ए वाला ऑप्शन ANM की फुल फॉर्म है और डी वाला ऑप्शन आशा की फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको हिंदी में भी आप जो है वो ये फुल फॉर्म्स के वीडियोस अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। इसमें मैं ज्यादा क्लैरिफिकेशंस नहीं दूंगा क्योंकि फिर क्या है, वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। BMI की फुल फॉर्म क्या है? बिलो मास इंडेक्स बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंक्रीमेंट बॉडी मेड इंडेक्स। BMI की फुल फॉर्म क्या है? बिलो मास इंडेक्स बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंक्रीमेंट बॉडी मेड इंडेक्स, आंसर देखते हैं। तो BMI की जो फुल फॉर्म है वो बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मैं इस पेपर में दूंगा क्योंकि फिर जो है वो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम, ठीक है। GMD की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ मेजरिंग डिवाइस, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, ग्रोथ मैपिंग डिवाइस, ग्रोथ मैपिंग डाटा। GMD की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ मेजरिंग डिवाइस, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, ग्रोथ मैपिंग डिवाइस या ग्रोथ मैपिंग डाटा। तो आंसर देखते हैं, GMD की फुल फॉर्म है ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, बी ऑप्शन जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कितने kg तक WHO ग्रोथ चार्ट में वेट प्लॉट होता है, ठीक है। तो मिनिमम जो है वो कितना प्लॉट करते हैं हम, 0.1 kg, 0.01 kg, 0.05 kg, 0.5 kg, एक्चुअली ग्राम में, अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो ए ऑप्शन 100 ग्राम बनेगा, बी ऑप्शन जो है वो 10 ग्राम बनेगा, सी ऑप्शन जो है वो आपका जो है 50 ग्राम बनेगा, और डी ऑप्शन जो है वो आधा किलो बनेगा, 500 ग्राम,
ठीक है, तो कितने ग्राम तक का जो है वो मिनिमम जो है वेट प्लॉट जो है वो होता है, तो 100 ग्राम तक का वेट प्लॉट होता है, यानी 0.1 kg तक का जो है वेट प्लॉट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, पहला महीने में कितनी बार प्लॉटिंग करते हैं? 3 बार, 4 बार, 2 बार या 5 बार? पहले महीने में हम कितनी बार प्लॉटिंग करते हैं? 3 बार, 4 बार या 2 बार या 5 बार? तो पहले महीने में हम जो है वो WHO ग्रो चार्ट में 4 बार प्लॉटिंग करते हैं, बर्थ की लाइन में, फर्स्ट वीक की लाइन में, सेकेंड वीक और थर्ड वीक, ये 4 प्लॉटिंग होती है, बर्थ लाइन, फर्स्ट वीक की लाइन, सेकेंड वीक और थर्ड वीक। ठीक है, अगर किसी कोई बच्चा 5 जून को पैदा होता है तो कितने दिन से कितनी तारीख से कितनी तारीख तक हम उसको दूसरे हफ्ते की लाइन में प्लॉट करेंगे? 18 से 24 जून, ये 18 से 24 लिखा है, ये 18 से 24 है। 17 से 23 जून, 20, 19 से 25 जून, ये 14 से 20 जून। 18 से 24 जून, 20, 17 से 23 जून, सी 19 से 25 जून या डी 14 से 20 जून। 5 जून में जो को जो बच्चा पैदा होता है वो कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में जो है वो दूसरे हफ्ते की लाइन में प्लॉट होगा? 18 से 24 जून, 17 से 23 जून, 19 से 25 जून या 14 से 20 जून? आंसर देखते हैं, तो 18 से 24 जून के बीच में जो है बच्चा जो है वो दूसरे हफ्ते की लाइन में प्लॉट करेगा। 5 जून को उसका पहला दिन होगा और 18 तारीख को उसको 14वां दिन होगा और 24 तारीख को उसका 20वां दिन होगा। तो 14 से 20 तारीख तक का जो बच्चा है, 14 से जब 20 दिन का जो बच्चा है वो दूसरे हफ्ते की लाइन में प्लॉट होता है, और 21 से लेकर महीने के एंड से 1 दिन पहले तक जो है वो तीसरे हफ्ते की लाइन में जो है वो प्लॉट होता है। ठीक है, और 7 से 13 दिन का बच्चा जो है वो पहले हफ्ते की लाइन में प्लॉट होता है। ठीक है, और जन्म की लाइन में जो है 6 दिन तक का बच्चा प्लॉट होता है। MMR में कितने वर्ष की गर्भवती महिलाएं जो है वो ली जाती हैं? 18 से 45 वर्ष, 18 से 49 वर्ष, 15 से 45 वर्ष या 15 से 49 वर्ष? ठीक है, MMR में जो है वो कितने महीने आ, आ, कितने वर्ष की गर्भवती महिलाएं जो है वो ली जाती हैं MMR में? 18 से 45 वर्ष की, 18 से 49 वर्ष की, 15 से 45 वर्ष या 15 से 49 वर्ष? ठीक है, तो MMR को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हम 15 से 49 वर्ष की जो है वो गर्भवती महिलाओं को जो है वो काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, फिर है, प्रति हजार MMR कितने पे हम काउंट करते हैं? प्रति हजार की जनसंख्या पे, प्रति 10,000 की जनसंख्या पे, प्रति लाख की जनसंख्या पे या प्रति 10 लाख की जनसंख्या? जनसंख्या मतलब गर्भवती, प्रति 1,000 गर्भवती पे, प्रति 10,000 पे, प्रति लाख गर्भवती धात्री पे या प्रति 10 लाख गर्भवती धात्री पे? ठीक है, तो MMR जो है वो प्रति 10 लाख, प्रति लाख पे काउंट किया जाता है। जैसे IMR जो है वो प्रति 1,000 पे काउंट किया जाता है, MMR प्रति लाख पे काउंट किया जाता है। HP की 2016 में IMR कितनी थी? A 34, B 30, C 25, D 18। HP की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर 2016 में कितनी थी? A 34, B 30, C 25, D 18। तो HP का IMR जो था वो 25 था 2016 में, वर्तमान में 22 के आसपास है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, जो चौथा नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे हुआ NHFS 4, उसमें स्टंटेड चिल्ड्रन जो है वो हिमाचल में कितने परसेंट है? 38.4, 26.3, 13.7, 21.2। 38.4, 26.3, 13.7, 21.2। तो NHFS 4 के अनुसार स्टंटेड चिल्ड्रन जो है वो हिमाचल में वो 26.3% है, भारत में 38.4% है, हिमाचल में जो स्टंटेड यानी कि ठिगने बच्चे हैं, बौने बच्चे हैं, वो 26.3 बच्चे हैं हिमाचल में। NHFS 4 सर्वे के अनुसार अंडरवेट चिल्ड्रन भारत में कितने हैं? 38.4%, 35.70%, 21% या 13.70%? भारत में अंडरवेट अल्प वजन के बच्चे कितने हैं नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो चार हुआ है उसके अनुसार? तो आंसर देखते हैं, आंसर है 35.70%, 35.70% बच्चे जो अंडरवेट हैं नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4 के अनुसार। वेस्टेड चिल्ड्रन हिमाचल में नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के अनुसार कितने हैं? वेस्टेड मतलब दुबले बच्चे। ठीक है, तो 21%, 15.6%, 13.70%, 10.30%। वेस्टेड चिल्ड्रन हिमाचल में कितने हैं नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4 के अनुसार? तो आंसर देखते हैं, 21%, 15.6, 13.70, 10.30। तो आंसर है इसका 13.70%। हिमाचल में 13.70% बच्चे जो हैं वो दुबले हैं, वेस्टेड हैं, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के अनुसार हिमाचल में। LDR सुपरवाइजर के में जो LDR सुपरवाइजर के लिए आंगनवाड़ी वर्कर को कितना कोटा दिया गया है? ठीक है, जो आंगनवाड़ी वर्कर है LDR सुपरवाइजर के लिए कितना परसेंट कोटा है? 10%, 20%, 30% या 40%? LDR सुपरवाइजर का कोटा कितना है?
आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 10%, 20%, 30% या 40%? आंसर देखते हैं, तो एलडीआर का कोटा जो है वो 40% है, 30% ओपन का कोटा है, ठीक है, 10% ग्रेजुएट का है और 20% 10th पास का है। कितने वर्ष अनुभव वाली स्नातक पास आंगनवाड़ी वर्कर सुपरवाइजर प्रमोशन के लिए पात्र है? तो 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष या 20 वर्ष? कितने वर्ष अनुभव वाली स्नातक पास आंगनवाड़ी वर्कर सुपरवाइजर प्रमोशन के लिए पात्र है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष या 20 वर्ष? तो आंसर देखते हैं, तो 15 वर्ष की जो आंगनवाड़ी वर्कर है, ग्रेजुएट आंगनवाड़ी वर्कर, वो सुपरवाइजर प्रमोशन के लिए पात्र है, और 20 वर्ष की जो 10वीं पास है वो पात्र है, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के इंटरव्यू कमेटी में कौन शामिल नहीं है? एसडीएम, सीडीपीओ, तहसील वेलफेयर ऑफिसर या सुपरवाइजर? एसडीएम, सीडीपीओ, तहसील वेलफेयर ऑफिसर या सुपरवाइजर? आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर इंटरव्यू कमेटी में कौन शामिल नहीं है? एसडीएम, सीडीपीओ, टीडब्ल्यूओ या सुपरवाइजर? तो आंसर है इसका सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरवाइजर इंटरव्यू कमेटी में नहीं है शामिल। क्वेश्चन नंबर 41, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इंटरव्यू के टोटल कुल अंक कितने हैं? ए 10 मार्क्स, बी 15 मार्क्स, सी 20 मार्क्स या डी 25 मार्क्स? कुल जोड़ जो है वो आंगनवाड़ी इंटरव्यूज का वो कितना है? 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स या 25 मार्क्स? तो कुल जोड़ जो है वो 25 मार्क्स का है, उसमें इंटरव्यू सिर्फ 3 मार्क्स का है, बाकी मार्क्स जो है वो अलग अलग क्वालिफिकेशन और जो जो पात्रता है उसके मिलते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो कब का है, ठीक है, जो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न है उसकी रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम कब का है? 2011, 13, 12 या 14 का? 2011, 2012, 2013, 2014, ठीक है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, ठीक है, निषेध और निवारण अधिनियम कब का है? तो आंसर है इसका 2013 का, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन, ठीक है, एक्ट जो है वो चाइल्ड लाइन नंबर क्या है? 181, 1091, 1098 या 1075? चाइल्ड लाइन नंबर क्या है? 1181, 1091, 1098 या 1075? मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, 1098 है, क्योंकि ये पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। पीसीपीएनडीटी एक्ट किस वर्ष का है? प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डिटेक्शन टेस्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डिटेक्शन टेस्ट, जो गर्भावस्था जो लिंग जांच है ना, वो वाला एक्ट कब का है? 1990, 1992, 1994, 1996। ये जो फुल फॉर्म है इसकी हिंदी और इंग्लिश में ये वीडियो पूरा बना हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ये सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है। तो ये पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 का है, ठीक है, प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डिटेक्शन टेस्ट, ये प्रोहिबिशन एक्ट है। सेक्शन 20 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो धारा 20 है वो किससे जुड़ी हुई है? कस्टडी ऑर्डर, बच्चों की कस्टडी ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, कंपनसेशन ऑर्डर या रेजिडेंस ऑर्डर? ए कस्टडी ऑर्डर, बी मॉनेटरी रिलीफ, सी कंपनसेशन ऑर्डर, डी रेजिडेंस ऑर्डर। तो सेक्शन 20 जो है वो मॉनेटरी रिलीफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आपने जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के 18 सेक्शन, 19, 20, 21, 22, ये 5 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और भी हैं, हमने पूरा वीडियो डाला है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो जरूर पढ़ना है आपने, ठीक है। वीडियो अपलोड है, 2 वीडियो अपलोड है, तो वो आपने जरूर देखने हैं। सेक्शन 20 मॉनेटरी रिलीफ से है। आरटीई एक्ट की डेट क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का है? 2005, 2007, 2009, 2013। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है? 2005, 2007, 2009, 2013। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 2009 का है और लागू जो है वो 1 अप्रैल 2010 में हुआ था, ठीक है। पर एक्ट जो है 2009 का है, लागू 2010 से हुआ है, अप्रैल 2010। मिनिमम पॉपुलेशन कितनी चाहिए मिनी आंगनवाड़ी खोलने के लिए? 150, 300, 450 या 600? पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर मिनी आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी खोलने के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता है? मिनिमम 150, 300, 450, 600। तो आंसर है इसका 150। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बुक से लिए गए हैं, आप वो देख भी सकते हो। हिमाचल प्रदेश में टोटल आईसीडीएस सर्कल कितने हैं? 758, 796, 808 या 848? टोटल आईसीडीएस सर्कल इन एचपी 758, 796, 808 या 848? तो आंसर देखते हैं, टोटल आईसीडीएस सर्कल जो है वो 808 है, ठीक है, यानी 808 सुपरवाइजर की टोटल पोस्ट है। फर्स्ट आईसीडीएस प्रोजेक्ट क्या है, कौन सा था हिमाचल में? पूह, मंडी, कोंटा या चंबा? पहला आईसीडीएस प्रोजेक्ट
कौन सा था हिमाचल में जो खुला था, पूहू मंडी पौंटा या चंबा? तो पूहू था पहला आईसीडीएस प्रोजेक्ट, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को जो है वो खोला गया था। फिर है ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाते हैं? ग्लोबल हैंड वॉश डे 8 अप्रैल, 15 मई, 15 अक्टूबर या 14 नवंबर? ग्लोबल हैंड वॉश डे 8 अप्रैल, 15 मई, 15 अक्टूबर या 14 नवंबर? तो आंसर देखते हैं, ग्लोबल हैंड वॉश डे जो है वो 15 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, पहला प्रयास जो किताब है वो किससे जुड़ी हुई है? WHO ग्रोथ चार्ट से, ECC से, पोषण अभियान से या सशक्त महिला योजना से? पहला प्रयास बुक जो है वो किससे जुड़ी हुई है? WHO ग्रोथ चार्ट से, ECC से, पोषण अभियान से या सशक्त महिला योजना से? तो आंसर देखते हैं, पहला प्रयास बुक जो है वो ECC से जुड़ी हुई है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 52, MIS रजिस्टर नंबर 9 ये किससे जुड़ा हुआ है? रेफरल सर्विसेज से, टीकाकरण से, होम विजिट से यानी गृह भ्रमण से या विटामिन ए से? MIS रजिस्टर नंबर 9 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ए रेफरल सर्विसेज, बी टीकाकरण, सी होम विजिट, डी विटामिन ए। तो आंसर देखते हैं हम, MIS रजिस्टर नंबर 9 जो है वो रेफरल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, संदर्भ सेवाओं से। फिर है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये कब, इसको कब गठित किया गया? ए 1990, बी 1992, सी 1994, डी 1996। नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एड्स, ठीक है, रोकथाम जो है संगठन, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो नाको की स्थापना कब हुई है? तो आंसर देखते हैं, ये 1994 में जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। हैंड वॉशिंग में कितना समय लगता है, ठीक है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड? टाइम इन हैंड वॉशिंग 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड? तो आंसर देखते हैं, हैंड वॉशिंग में जो है वो 20 सेकंड का जो है समय लगना चाहिए, मिनिमम 20 सेकंड जो है वो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 55, यूनिसेफ का जो है वो मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और कब गठित हुआ ये भी पता होना चाहिए। ए जिनेवा, बी पेरिस, सी द हेग, डी न्यूयॉर्क। हमारे को इसी से ICDS को जो फंडिंग होती है वो इसी से ही होती है, यूनिसेफ से। तो आंसर देखते हैं, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। बेटी हैंड मोड योजना कब लागू हुई? जुलाई 2009, जुलाई 2010, जुलाई 2011, जुलाई 2012। बेटी है अनमोल योजना कब लॉन्च हुई? जुलाई 2009, जुलाई 2010, जुलाई 2011, जुलाई 2012। तो बेटी है अनमोल योजना जो है वो जुलाई 2010 में जो है वो लॉन्च हुई, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब का है? दहेज निषेध अधिनियम जो है वो कब का है? दहेज निषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब का है? 1951, 1961, 1971, 1994। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज निषेध अधिनियम कब का है? ए 1951, बी 1961, डी सी 1971, डी 1994। तो डाउरी निषेध जो है, दहेज निषेध अधिनियम जो है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो 1961 का है। क्वेश्चन नंबर 58, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो 22 जनवरी किस वर्ष लॉन्च हुई? ठीक है, 22 जनवरी को लॉन्च हुई, 2014, 2015, 2016, 2017, 2014, 2015, 2016, 2017। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं कहां पर, कि हरियाणा के किस जिले से लॉन्च हुई। फिर है HP स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हिमाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, HP स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये 27 अप्रैल 2010, 2011, 2012 या 2013, किस डेट को ये गठित हुआ? HP स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हिमाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो ये जो गठित हुआ है ये 27 अप्रैल 2013 को गठित हुआ है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बुक से उठाए गए हैं और मैं फिर बता रहा हूँ, 2015 में जो एग्जाम आया था वो भी बुक से, उसे 30-40-50 क्वेश्चन थे, और 17 वाले एग्जाम में भी बुक से 30-40-50 क्वेश्चन थे, और वो बुक ऑलरेडी अपलोडेड है और उसके हमने मॉक टेस्ट भी बहुत सारे डाले हुए हैं, ठीक है, जिसमें महिलाओं बच्चों से जुड़ी हुई स्कीम्स है, ICPS है, सब कुछ है उसमें। वो बुक जो है वो PDF फॉर्म में भी हमने दे रखी है, तो वो आप देख सकते हैं, उसके वीडियोस भी बनाए हैं, आप जरूर उसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में अगर कुछ पढ़ के जाना है तो वो किताब ही पढ़ के जानी है। अगर कल आपका पेपर है मान लीजिए 20 सितंबर को, तो 19 तारीख को आपने सिर्फ और सिर्फ वो किताब पढ़नी है,
ठीक है, वो किताब जो जो महिला और बाल विकास विभाग की हिमाचल प्रदेश की किताब है जो छपी हुई है, कोई मतलब 70-80 पेजों की, वो किताब पढ़नी है आपने लास्ट टाइम पे। हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड कब गठित हुआ? ए 1953, बी 1954, सी 1960, डी 1967। हिमाचल राज्य समाज कल्याण बोर्ड जो है, हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड जो है वो कब गठित हुआ? ए 1953, बी 1954, सी 1960, डी 1967 या 67। 67 सही शब्द है, तो आंसर देखते हैं, ये 1954 में गठित हुआ है हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड। ठीक है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4 सर्वे कब हुआ? नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4 ये कब हुआ? 2012-13 में, 2014-15 में, 2015-16 में, 2018-19 में। तो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4 जो है वो 2015-16 का है। ठीक है, अब 5 होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पहला सर्वे कब हुआ। ये हम सब जो है ये ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस हैं, ठीक है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे पहला कब हुआ था, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बाल बालिका सुरक्षा योजना में जो दंपत्ति है उसकी कुल आयु कितनी होनी चाहिए? पति पत्नी की दोनों की जोड़कर आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आयु, ठीक है, कुल आयु जो है इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, मिनिमम नहीं है ये, मैक्सिमम है। मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष पति पत्नी की जोड़ के, 100 वर्ष, 105 वर्ष या 120 वर्ष। बाल बालिका सुरक्षा योजना में दंपत्ति की पति पत्नी की टोटल आयु किससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो आंसर देखते हैं, 60 वर्ष, 100 वर्ष, 105 वर्ष, 120 वर्ष। तो 105 वर्ष से अधिक पति पत्नी की आयु जो है वो नहीं होनी चाहिए बाल बालिका सुरक्षा योजना में। क्वेश्चन नंबर 63, पॉक्सो एक्ट जो है वो कब का है? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, 2011, 2012, 2015, 2019। पॉक्सो एक्ट जो है वो 2012 का है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। मैं इसमें हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ, कई जगह इंग्लिश में है, कई जगह हिंदी में है, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वहां से आपको सारा पता लगेगा। ठीक है, हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं सारा कोशिश कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाए। भारत में महिला और बाल विकास विभाग कब गठित हुआ? WCD डिपार्टमेंट जो है वो कब गठित हुआ भारत में? ए 2011, बी 1990, सी 1985, डी 1964। WCD डिपार्टमेंट जो है वो भारत में कब गठित हुआ? ए 2011, बी 1990, सी 1985, डी 1964। आंसर देखते हैं, तो 1985 में महिला और बाल विकास विभाग जो है वो गठित हुआ भारत में, मंत्रालय बना, और हिमाचल प्रदेश में जो अलग से जो है वो डिपार्टमेंट बना है 2011 में। पहले एक ही डिपार्टमेंट होता था, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता के दो डिपार्टमेंट्स हो गए हैं, डिपार्टमेंट क्या डायरेक्टरेट दो हो गए हैं, एक WCD डायरेक्टरेट हो गया है और एक जो ई सोमसा है डायरेक्टरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, जेजे एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो कब का है? ए 2011, बी 2013, सी 2015, डी 2017। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब का है? ए 2011, बी 2013, सी 2015, डी 2017। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो 2015 का है, ठीक है, जेजे एक्ट, ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम। हेपेटाइटिस बी का चौथा जो टीका है वो कब लगाया जाता है? 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे, 18 हफ्ते पे या 24 हफ्ते पे? हेपेटाइटिस बी का चौथा जो वैक्सीनेशन है, टीका है, वो कब लगाया जाता है? 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, 18 हफ्ते या 24 हफ्ते? आंसर देखते हैं, हेपेटाइटिस बी का जो चौथा टीका है वो 14 हफ्ते पे लगाया जाता है, ठीक है, 3.5 महीना हो जाता है 14 हफ्ते में। क्वेश्चन नंबर 67, चाइल्डहुड पीरियड कौन सा है? बाल्यावस्था का क्या समय है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12, 2 से 12 या 5 से 10 वर्ष? बाल्यावस्था का समय क्या है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12, 2 से 12 या 5 से 10 वर्ष? आंसर देखते हैं, बाल्यावस्था का जो पीरियड है वो 2 से 12 वर्ष, और फिर 2 से पहले वाला जो टाइम है, 2 साल तक के बच्चे को हम शिशु बोलते हैं और बालक बोलते हैं हम 2 से 12 साल के बच्चों को, तो बाल्यावस्था जो है वो 2 से 12 वर्ष। BSY जो है वो कब लॉन्च हुई थी? बालिका समृद्धि योजना 1995, 1996, 1997, 1998। बालिका समृद्धि योजना कब लॉन्च हुई थी? 1995, 1996, 1997 या 1998? आंसर देखते हैं, बालिका समृद्धि योजना जो है वो 1997 में लॉन्च हुई थी और बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था 2010 में बेटी है अनमोल योजना में। ठीक है, बालिका समृद्धि योजना ही जो है वो 2010 में बेटी है अनमोल योजना में कन्वर्ट हो गई है। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये किस तारीख को लॉन्च हुई थी। हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद कब एस्टेब्लिश हुआ? 1960, 1965, 1970, 1975। हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद कब एस्टेब्लिश हुआ, उस कब गठित हुआ? 1960, 1965, 1970, 1975। आंसर देखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद जो है वो 1975 को जो है वो गठित हुआ।
डेट ऑफ मेचोरिटी की जो है वो कितने दिन की होती है? अगर बच्चा जो है वो एलएमपी से कितने दिन पहले पैदा होता है तो उसको डेट ऑफ मेचोरिटी का समय क्या है? ठीक है, 280 दिन, 269 दिन, 249 दिन, 269 दिन, मतलब कितने दिन के बाद अगर बच्चा पैदा होगा, एलएमपी से कितने दिन के बाद अगर बच्चा पैदा होगा तो वो डेट ऑफ मेच्योरिटी को पार कर जाएगा। ठीक है, तो डेट ऑफ मेच्योरिटी जो है वो 269 दिन की होती है, 280 में से 21 दिन माइनस हो जाएंगे, यानी कि 37 हफ्ते की होती है डेट ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, 8.5 महीने की, उसके बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो वो मेच्योर कहलाता है। इन विच मंथ सर्वे इज डन इन एमआईएस रजिस्टर नंबर वन, तो जो एमआईएस का सर्वे रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर एक, उसमें किस माह में जो है वो सर्वे कंडक्ट किया जाता है? मार्च, अप्रैल, जनवरी या दिसंबर? मार्च, अप्रैल, जनवरी या दिसंबर, तो आंसर देखते हैं। तो अप्रैल के माह में जो 1 से 10 अप्रैल तक जो है वो सर्वे कंडक्ट किया जाता है, और सर्वे का जो बेस माना जाता है वो 1 अप्रैल को माना जाता है। 1 अप्रैल उस माह, साल माह का जो, साल का जो 1 अप्रैल है वो सर्वे का बेस होता है, और 1 से 10 अप्रैल तक सर्वे कंडक्ट किया जाता है। वेट जो किलोग्राम में वजन को भाग करेंगे, लेंथ मीटर इंटू लेंथ इंटू मीटर, या लेंथ जो है वो मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम ऊपर वजन है किसी का, वजन को जब हम लंबाई से, यानी मीटर स्क्वायर में लंबाई से भाग करेंगे तो वो किसका फॉर्मूला है? ठीक है, ऊपर वजन है, वेट है किलोग्राम में, और नीचे जो है वो लंबाई है मीटर में, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ जो है लंबाई को लंबाई से गुणा कर देंगे, यानी मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो लंबाई जो है वो मीटर में निकालनी है, फुट में नहीं निकालनी है। तो वो किसका फॉर्मूला है? आईएमआर का, स्टंटिंग का, बीएमआई का, या वेस्टिंग का? स्टंटिंग यानी बौनापन, वेस्टिंग यानी दुबलापन, आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। तो आंसर देखते हैं, तो जो ये फॉर्मूला है ये बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना जो है वो कब लॉन्च हुई? मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना कब लॉन्च हुई? 2013, 2014, 2015, 2016। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना कब लॉन्च हुई है? 2013, 2014, 2015, 2016। तो मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना जो है वो 2016 में लॉन्च हुई है। ठीक है, ये पहली योजना है उस किताब में जो मैंने, आप जो जिसके वीडियो बनाए हैं देख सकते हैं आप। कोलेस्ट्रॉम जो है, गाढ़ा पीला दूध, ठीक है, प्रथम टीकाकरण जिसको कहा जाता है, तो ये कितने समय तक जो है निकलता है आमतौर पे? ठीक है, कितने दिन तक निकलता है? ए ऑप्शन 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, डी 4 दिन। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, या 96 घंटे? ए ऑप्शन 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, डी 4 दिन। तो आंसर देखते हैं, कोलेस्ट्रॉम जो है वो 72 दिन, 72 घंटे का होता है, 72 घंटे तक निकलता है। शुरू के 3 दिन का जो दूध होता है, माँ का गाढ़ा पीला दूध, वो कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। 6 से 3 साल तक के बच्चों का जो ग्रोथ है WHO ग्रोथ चार्ट के हिसाब से, वो प्रति माह जो है वो कितना वजन बढ़ता है? 6 माह से 3 साल के बच्चे का प्रति माह वजन कितना बढ़ता है WHO ग्रोथ के हिसाब से? हर महीने 400 ग्राम बढ़ता है, हर महीने 300 ग्राम बढ़ता है, हर महीने 200 ग्राम बढ़ता है, या हर महीने 100 ग्राम बढ़ता है? तो WHO ग्रोथ चार्ट के हिसाब से जो बच्चा है उसका हर महीने वजन जो है वो 200 ग्राम बढ़ता है। आपको पता है ना, वेट जो है वो 6 महीने में डबल हो जाता है, कई बार 5 महीने में भी डबल हो जाता है, और 1 साल में ट्रिपल हो जाता है, ये आपने नोट रखना है। साल्टर वजन मशीन में हम मैक्सिमम कितना वजन ले सकते हैं? और आंगनबाड़ी में साल्टर वजन मशीन है जिसमें हम लटका के जो है वो बच्चे का वजन लेते हैं, गोल गोल सी है, राउंड सी, इसका भी वीडियो अपलोडेड है, आपने देख लेना है। 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, या 35 किलोग्राम, साल्टर वजन मशीन में कितना वजन मैक्सिमम लिया जा सकता है? 20 किलोग्राम, 25, 30 या 35? तो साल्टर वजन मशीन में मैक्सिमम 25 किलोग्राम तक का वजन लिया जा सकता है। आप देखना कभी कांटा कांटे, वहां 25 किलोग्राम तक के वो है। बार वजन मशीन में मैक्सिमम कितना वजन ले सकते हैं? बार वजन मशीन नहीं है आंगनवाड़ी में, ठीक है, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो या 35 किलो? आंसर देखते हैं, बार वजन मशीन में जो है कितना वजन ले सकते हैं मैक्सिमम? 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो या 35 किलो? तो आंसर है इसका 20 किलोग्राम। ठीक है, मैक्सिमम वजन जो है वो बार वजन मशीन में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूजन युक्त कुपोषण किसे कहा जाता है? क्वाशियर कोर को, मरसमस को, या दोनों को, ए और बी दोनों को, या कोई नहीं? सूजन युक्त कुपोषण, ये बड़ी ध्यान वाली चीज है। क्वाशियर कोर को, मरसमस को, ए और बी दोनों को, या कोई नहीं? जब आप, ठीक है, आंसर देख लेते हैं फिर बात करते हैं। जो क्वाशियर कोर है वो सूजन युक्त कुपोषण है, ठीक है, इसमें जो आदमी, जो शरीर है बच्चे का, वो फूल जाता है, अगर हम उंगली से दबाएंगे तो गड्ढा पड़ जाता है उसमें, तो ये भी कुपोषण है। और मरसमस में जो बच्चा बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबला, इसमें जो है उसका शरीर जो है वो कहीं पैर फूल जाता है, कहीं पेट फूल जाता है, ठीक है, तो ये भी कुपोषण ही है। क्वाशियर कोर और मरसमस, ये दोनों प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा
कुपोषण है ये दोनों बीमारियां, क्वाशीरकोर और मरसमस, ध्यान रखना आपने। विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? 9 माह में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में या 5 वर्ष में? आसान क्वेश्चन है। विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? 9 माह में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 5 वर्ष में? तो आंसर देखते हैं, विटामिन ए की पहली खुराक जो है वो 9 माह में दी जाती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। बाद में जो है फिर 2 लाख देना शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत में हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। बैसिलस कैलमेटोग्यूरिन बीसीजी का जो टीका है तपेदिक के लिए लगाया जाता है, कहां पर लगाया जाता है? बाई निचली बांह पर, बाई मतलब लेफ्ट, बाई ऊपरी बांह पर यानी लेफ्ट जो अपर हैंड है, या फिर दाई निचली, दाई मतलब राइट निचली बांह पर या दाई ऊपरी बांह पर? तो बीसीजी का टीका जो है, आंसर देखते हैं, तो बाई जो है वो बाई ऊपरी बांह पर जो है लगाया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में जो है वो बीसीजी का टीका जो है वो लगाया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2016, 1 सितंबर 2016, 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लागू हुई? 1/4/16, 1/9/16, 1/1/17, 1/4/17। आंसर देखते हैं, PMMVY जो योजना है वो 1 जनवरी 2017 को जो है वो लागू हुई है। क्वेश्चन नंबर 82, पहली किस्त के लिए LMP से कितने दिन के अंदर जो है वो आंगनवाड़ी सॉरी सब सेंटर में जो है वो पंजीकरण आवश्यक है, ठीक है। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कितने दिन के अंतर्गत अंतर जो है वो LMP से कितने दिन के अंदर जो है वो पंजीकरण आवश्यक है? किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में अगर कोई व्यक्ति पहली किस्त का दावा करना चाहता है, 150 दिन, 460 दिन, 730 दिन या 70 दिन? 150 दिन, 460 दिन, 730 दिन या 70 दिन? तो पहली किस्त के दावे के लिए LMP से जो है 150 दिन के अंदर पंजीकरण आवश्यक है किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में। फॉर्म 2 का आधार को किससे जोड़ता है? बैंक खाते से, पोस्ट ऑफिस से, पैन कार्ड से या मोबाइल नंबर से? फॉर्म 2 का आधार को किससे जोड़ता है? बैंक खाते से, पोस्ट ऑफिस से, पैन कार्ड से, मोबाइल नंबर से? PMVY का फॉर्म है ये, तो PMVY के टोटल हमने फॉर्म पढ़ लिए थे, ठीक है। तो फॉर्म 2 का जो है वो बैंक खाते से आधार को जोड़ता है। फिर राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद कब शिफ्ट हुआ? मैं बहुत ये आपने जरूर इसको गूगल पे जाके विजिट करना है, इससे बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद कब शिफ्ट हुआ? ए 1918, बी 1928, सी 1958, डी 1969। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वो आंसर देखते हैं पहले, ठीक है। ये 1958 में हैदराबाद शिफ्ट हो गया और अभी भी जो है वो हैदराबाद में ही है, ठीक है। और इसका गठन जो है वो 1918 में हुआ है, ठीक है। तो 1958 में हैदराबाद में शिफ्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्रॉस डे हम कब मनाते हैं? 8 अप्रैल, बी 8 मई, सी 8 जून, डी 8 जुलाई। रेड क्रॉस डे हम कब मनाते हैं? ए 8 अप्रैल, बी 8 मई, सी 8 जून, डी 8 जुलाई। आंसर देखते हैं, रेड क्रॉस डे जो है हर साल जो प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई, किसने की। WHO के महानिदेशक ट्रेडोस अदनान जो है वो किस देश के हैं? वर्तमान में ट्रेडोस अदनान WHO के महानिदेशक हैं, जो सबसे बड़ा पद होता है WHO का वो उस पे जो है ट्रेडोस अदनान है। ए भारत के, बी चाइना के, सी इथियोपिया के, डी इटली के? ए भारत, बी चाइना, सी इथियोपिया, डी इटली। तो WHO के महानिदेशक जो है वो इथियोपिया के हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने चीन कोरोना वायरस में जो है वो चीन के साथ मिलीभगत की। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर क्या है? मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1075-1115-15 या 1091? 1075-1115-15 या 1091? मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100 है, ठीक है, जिसको और 1515 गुड़िया हेल्पलाइन नंबर है, याद रखना आपने। बहुत सारे नंबरों का वीडियो भी है, आपने देख लेने, ठीक है। 1075 आजकल आपदा से जुड़ा हुआ नंबर है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ? RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ए 2007, बी 2002, सी 2013, डी 2011। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ए 2007, बी 2002, सी 2013, डी 2011। आंसर देखते हैं, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 2013 में जो है वो शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई है? ए 2015, बी 2014, सी 2016, डी 2013। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई है? ए 2015, बी 2014, सी 2016, डी 2013। तो आंसर देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लॉन्च हुई है, ठीक है। किस आयु वर्ग तक की जो बालिका को सुकन्या समृद्धि योजना में जो है वो खाता खोल सकती है? 10 वर्ष तक की बेटी खोल सकती है खाता, 15 वर्ष तक, 18 वर्ष तक या 21 वर्ष तक?
किस आयु वर्ग तक की बालिका का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोला जा सकता है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। आंसर देखते हैं, 10 वर्ष तक की ही बालिकाओं का जो है सुकन्या समृद्धि योजना में जो है वो खाता खोला जा सकता है, पहले 2 बेटियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो उसका वार्षिक प्रीमियम कितना है? ठीक है, सालाना प्रीमियम कितना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का? 12 रुपए सालाना, 330 रुपए, 1000 रुपए, या बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम जो है वो 330 रुपए है, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 12 रुपए है। हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना 2012 की है, इसमें मातृवंश और पितृवंश की आय सीमा कितनी है? 5000 रुपए प्रतिमा, 35000 रुपए वार्षिक, 1 लाख वार्षिक, या कोई आय सीमा नहीं होनी नहीं चाहिए? मातृवंश और पितृवंश के लिए कोई आय सीमा नहीं चाहिए, 1 लाख वार्षिक चाहिए, 35000 रुपए चाहिए, या 5000 रुपए प्रति माह चाहिए? आंसर देखते हैं, आंसर है इसका जो बाल मातृवंश और पितृवंश है, यानी दादा दादी या नाना नानी जो से रिलेटेड जो भी है, मामा मामी या चाचा चाची, कोई भी अगर इस योजना में जो है बच्चे को पालना चाहता है, तो उनके लिए कोई भी आय सीमा जो है वो नहीं जो है होती। ठीक है, वैसे जो है इसमें 5000 रुपए प्रति माह जो है वो आय सीमा है। फिर अब बेटी है अनमोल योजना में 9वीं और 10वीं बालिका की छात्रवृत्ति, कितनी छात्रवृत्ति मिलती है 9वीं और 10वीं पास अगर करती है बेटी तो? 1200 रुपए प्रति माह, सॉरी 1200 रुपए जो है वो मिलती है, 1500 रुपए मिलती है साल की, 1800 रुपए मिलती है साल की, या 2250 रुपए मिलती है साल की? 9वीं और 10वीं की छात्रवृत्ति कितनी है? 1200, 1500, 1800 या 2250? आंसर देखते हैं, बेटी है अनमोल योजना में 9वीं और 10वीं के लिए जो है वो 1500 रुपए सालाना छात्रवृत्ति मिलती है बालिका को पढ़ने के लिए। 9वीं में 1500, फिर 10वीं में 1500, 11वीं 12वीं में 2250 है, और ग्रेजुएशन में 5000 है। सक्षम गुड़िया बोर्ड की पहली जो है उपाध्यक्ष कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है? रूपा शर्मा, सरला शर्मा, डेजी ठाकुर या प्रियंका वर्मा? सक्षम गुड़िया बोर्ड की पहली वाइस चेयरमैन कौन है, रूपा शर्मा, सरला शर्मा, डेजी ठाकुर या प्रियंका वर्मा? आंसर देखते हैं, सक्षम गुड़िया बोर्ड की पहली जो उपाध्यक्ष है वो रूपा शर्मा है। ठीक है, वाइस चेयरमैन पहली। क्वेश्चन नंबर 95, अति अल्प वजन के बच्चों को कितने कैलोरी पोषाहार प्रतिदिन जो है वो दिया जाता है? 500 किलो कैलोरी, 600 कैलोरी, 800 कैलोरी, 900 कैलोरी। अति अल्प वजन, अति कुपोषित बच्चों की बात की जा रही है, कितने कैलोरी पोषाहार प्रतिदिन देते हैं? 500 कैलोरी, 600 कैलोरी, 800 कैलोरी, 900 कैलोरी। तो आंसर देखते हैं, तो जो अति अल्प वजन यानी अति कुपोषित बच्चे हैं उनको हम 800 कैलोरी जो है वो पोषाहार देते हैं। ये सारे किताब में है, ऑलरेडी इसके वीडियो अपलोडेड हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम का नाम, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम कब पड़ा? ICPS 30/11/17 को, 18/9/12 को, 14/11/17 को, 2/10/17 को, 30 नवंबर 2017, 18 सितंबर 2012, 14 नवंबर 2017, 2 अक्टूबर 2017। आंसर देखते हैं, ICPS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम का नाम, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज जो है वो पड़ा 30/11/17, 30 नवंबर 2017 को, और ICPS जो योजना लागू की गई थी वो 18 सितंबर 2012 को थी। ठीक है, सारा स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी का गठन कब हुआ? स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी सारा का गठन कब हुआ? ठीक है, बच्चों को गोद लेने की एजेंसी है ये, 30/11/17, 18/9/12, 14/11/17, 2/10/12। आंसर देखते हैं, सारा जो है वो 18/9/12 को उसको गठित किया गया, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, जब ICPS का गठन हुआ इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम का, तभी स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी भी जो है वो गठित हो गई 18 सितंबर 2012। ये सारा कुछ किताब में आप देख सकते हैं। किस जिले में जो है ऑब्जर्वेशन होम यानी संप्रेषण गृह है? ए ऊना, बी शिमला, डी कांगड़ा, सी कांगड़ा, डी ए और बी दोनों, यानी ऊना और शिमला दोनों। किस जिले में ऑब्जर्वेशन होम है संप्रेषण गृह? ए ऊना, बी शिमला, सी कांगड़ा, डी ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, ऊना और शिमला दोनों। ऑब्जर्वेशन होम में किन बच्चों को रखा जाता है, ये बड़ा ध्यान वाली चीज है। ठीक है, किन बच्चों को रखा जाता है ऑब्जर्वेशन होम में, कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। शिशु गृह, जहां 6 साल से छोटे बच्चे रखे जाते हैं। ठीक है, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट होते हैं ना, CCI, वहां पर 6 साल से बड़े बच्चे रखे जाते हैं। बाल बालिका सुरक्षा योजना, आपने अभी जो मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना जो देखी है, उसमें CCI में जो है वो 6 साल से बड़े बच्चे पर, 6 साल से छोटे बच्चे जो है शिशु गृह में रखे जाते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन होम जो है शिशु गृह, तो ये कहां पर है शिशु गृह? टूटीकंडी, समूरकला, हीरानगर या मेहला? शिशु गृह कहां पर स्थित है? टूटीकंडी, समूरकला, हीरानगर, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, मेहला चंबा में है।
ठीक है, समूर कला ऊना में है। आंसर देखते हैं, शिशु गृह जो है वो टूटीकंडी में स्थित है, ठीक है, 6 साल से छोटे बच्चे शिशु गृह में जो है वो रखे जाते हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान 2018 को लॉन्च हुआ, किस कितनी तारीख को 2018 को लॉन्च किया गया? ए 22 जनवरी, बी 8 मार्च, सी 2 अक्टूबर, डी 14 नवंबर। राष्ट्रीय पोषण अभियान कितनी तारीख को 2018 में लॉन्च हुआ? 22 जनवरी, 8 मार्च, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर। आंसर देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है वो 8 मार्च 2018 को जो है वो लॉन्च हुआ। कमेंट बॉक्स में लिखो राजस्थान के किस जिले में लॉन्च किया गया ये। सबला योजना में प्रति परियोजना कितनी राशि जो आवंटित की जाती थी? 2,80,000, 3,80,000, 4,80,000 या 5,80,000। सबला योजना में स्कीम जो थी ना किशोरी बालिकाओं के लिए, राजीव गांधी की सबला योजना स्कीम जो थी 2010 में लॉन्च हुई थी ये भी, तो इसमें प्रति प्रोजेक्ट जो है वो कितनी राशि दी जाती थी? 2.80 लाख, 3.80 लाख, 4,80,000, 5,80,000। आंसर देखते हैं, ये भी अपलोडेड है वीडियो, 3,80,000 जो है प्रति परियोजना जो है वो राशि खर्च की जाती थी। ये जो है ना आपको रिवीजन भी हो रहा है इसके साथ साथ ना, कि आपको क्या क्या देखना है वीडियोस, आपने जरूर जाना है। प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट में मॉक टेस्ट का एक अलग से प्लेलिस्ट है और क्वेश्चन पेपर का जो है अलग से प्लेलिस्ट है और आईसीडीएस सुपरवाइजर के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, ठीक है, वो जरूर आपने कंप्लीट देखनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो किस जिले में लागू नहीं है भाई, हिमाचल के, ठीक है। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल कितने जिलों में है, आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। कांगड़ा, सोलन, कुल्लू, मंडी, किस जिले में लागू नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये भी किताब में है। कांगड़ा, सोलन, कुल्लू, मंडी, सारा वीडियो बनाया हुआ है, आप ऑलरेडी जाके देखो उसको, बड़े ध्यान से देखना, एक एक वीडियो को चार चार पांच बार बार देखोगे तब जाके वो याद होगा डीपली, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कुल्लू जिले में नहीं है, टोटल कितने जिलों में बेटी बचाओ बेटी, लाहौल स्पीति में भी नहीं है, किन्नौर में भी नहीं है, ठीक है, कितने जिलों में नहीं है आप देख सकते हो 12 में से। फिर और पहला जिला जो था वो ऊना था जहां पे ये लॉन्च हुई, बाद में फिर हमीरपुर और कांगड़ा जोड़ा गया, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह में प्रोत्साहन राशि कितनी है? 51,000, 50,000, 40,000 या 25,000। विधवा पुनर्विवाह योजना में प्रोत्साहन राशि कितनी है? 51,000, 50,000, 40,000 या 25,000। आंसर देखते हैं, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह योजना में जो प्रोत्साहन राशि है वो 50,000 रुपये है, ठीक है। आप आंसर भी साथ साथ लिखते रहिए और आप कैलकुलेट कीजिए आपके कितने मार्क्स बने, 170 में से अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। वो मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में प्रति बच्चा प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि अभी कितनी दी जा रही है? मदर टेरेसा MTY योजना, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में प्रति बच्चा प्रति वर्ष कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? 5,000, बी 6,000, सी 7,000, डी 4,000। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में प्रति बच्चा प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि कितनी दी जा रही है? ए 5,000, बी 6,000, सी 7,000, डी 4,000। आंसर देखते हैं, तो मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में जो है प्रति बच्चा प्रति वर्ष जो है वो 6,000 प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जो नारी सेवा सदन है ना मशोबरा में 1988 में एस्टेब्लिश हुआ, उसमें किस आयु वर्ग की बेसहारा महिलाओं को जो है वो आश्रय प्रदान किया जाता है? कितनी आयु वर्ग की? 60 वर्ष से कम, 50 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम या 18 वर्ष से कम? तो नारी सेवा सदन में किस आयु वर्ग की बेसहारा महिलाओं को आश्रय प्रदान किया जाता है? आंसर देखते हैं, तो 50 वर्ष से जो कम आयु की जो है बेसहारा महिलाएं हैं 18 से 50 वर्ष की, उनको जो है आश्रय प्रदान किया जाता है नारी सेवा सदन मशोबरा में है ये, ठीक है, बता दिया मैंने। हिमाचल महिला विकास प्रोत्साहन योजना कब लागू हुई, ठीक है, कब लॉन्च हुई? हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना, ए 2012, बी 2011, सी 2013, डी 2010। आंसर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना जो है वो 2013 की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वन स्टॉप सेंटर योजना जो है वो कितनी तारीख को 2015 में लॉन्च की गई? भारत सरकार ने वन स्टॉप सेंटर योजना कब लागू की? 8 मार्च को, 1 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को या 14 नवंबर को? 8 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर। तो वन स्टॉप सेंटर योजना जो है वो 1 अप्रैल 2015 को जो है वो लागू की है भारत सरकार ने, ठीक है। सभी जिलों में जो है वन स्टॉप सेंटर जो है वो गठित हो चुके हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष का है? हिमाचल प्रदेश महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष का है? ए 1992, बी 1993, सी 1996, डी 1999। सारा कुछ इसके बारे में भी वीडियो अपलोडेड है। आंसर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग अधिनियम 1996 का है, ठीक है। फिर 2 बार इसका गठन किया गया महिला आयोग का, ठीक है, 99 में भी गठित हुई है, ठीक है, उससे पहले भी गठित हुई है। तो आप देख सकते हैं इसका, 9 माह के बच्चे को कितने कटोरी भोजन दिया जाता है?
दो कटोरी, तीन कटोरी, चार कटोरी या पांच कटोरी? 9 माह के बच्चे को कितने कटोरी भोजन दिया जाता है? दो कटोरी, तीन कटोरी, चार कटोरी या पांच कटोरी? या कटोरी का मतलब है 100 ग्राम, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 500 ग्राम। एक कटोरी 100 ग्राम की मान के चल रहे हैं। आंसर देखते हैं, 9 माह के बच्चे को हम जो है वो दो कटोरी भोजन है पूरे दिन में देते हैं, यानी 200 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110। एक महिला प्रति मासिक चक्र में कितना मिलीलीटर रक्त जो है वो खोती है? 60 से 70 ml, 50 से 60 ml, 30 से 40 ml या 10 से 20 ml? एक महिला प्रति मासिक चक्र में कितने मिलीलीटर रक्त जो है वो खोती है? 60 से 70 ml, 50 से 60 ml, 30 से 40 ml, 10 से 20 ml। आंसर देखते हैं, एक महिला प्रति मासिक चक्र में जो है वो 30 से 40 ml रक्त जो है वो खोती है। क्वेश्चन नंबर 11। सखी सहेली में सहेली कितने लड़कियों का समूह होता है? सखी सहेली में सहेली कितने लड़कियों का समूह होता है? एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की या चार लड़की? तो सखी सहेली में जो आंसर देखते हैं फिर बात करते हैं। सखी सहेली में सखी एक लड़ जो लीडर होता है उसको सखी बोलते हैं, वो एक होती है, और उसके साथ दो हेल्प करने के लिए सहेलियां होती हैं। ठीक है, रोटेशन में फिर यही सहेली जो है बाद में सखी बनती है। टोटल एक सखी और दो सहेली, टोटल 3 लड़कियां होती हैं, लेकिन सहेली जो है वो कितनी लड़कियां होती हैं? 2 लड़कियां होती हैं। ठीक है, सखी एक होती है, टोटल सखी सहेली मिलाकर 3। किशोरी दिवस कब मनाते हैं? दूसरे रविवार, दूसरे सोमवार, दूसरे शनिवार या पहले रविवार? किशोरी दिवस कब मनाया जाता था? दूसरे रविवार, दूसरे सोमवार, दूसरे शनिवार, दूसरे रविवार। ये जहां सबला योजना लागू है ना, वहां पर जो है दूसरे शनिवार को किशोरी दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है, सबला योजना में। क्वेश्चन नंबर 113। BMI में पिंक जोन क्या है? मैन नरिश्ड, नॉर्मल, माइल्डली ओवरवेट या ओवरवेट? BMI में पिंक जोन क्या है? मैन नरिश्ड, नॉर्मल, माइल्डली ओवरवेट या ओवरवेट? तो BMI में जो पिंक जोन है वो ओवरवेट के लिए, बहुत ज्यादा वजन जिनका होता है वो पिंक जोन में काउंट होते हैं। ठीक है, और जो सबसे कम दुबले पतले होते हैं वो मैलनरिश्ड कहलाते हैं। ठीक है, नॉर्मल BMI की क्या रेंज है? 12 से 18.5, 18 से 18.5 से 25 तक, 25 से 30 तक, 30 से ज्यादा। तो नॉर्मल BMI की रेंज जो है वो 18.5 से 25 तक है। ठीक है, ये नॉर्मल है, और 18.5 से कम जो है वो कुपोषित कहलाते हैं, और ओवरवेट पिंक जोन वाले जो है वो 30 से ज्यादा वाले होते हैं। ठीक है, निमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, फेफड़े, यकृत या वृक्क? वृक्क मतलब किडनी, आंत, फेफड़े, यकृत, यकृत यानी लीवर, और डी मतलब वृक्क। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, निमोनिया से जो हमारे शरीर का जो है वो फेफड़े यानी लंग्स जो है वो प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। घेंगा, क्वेटर रोग जो है जिसको गलगंड भी कहा जाता है, वो किसकी कमी से होता है? ए आयोडीन, बी नाइट्रोजन, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। तो घेंगा रोग जो है किसकी कमी से होता है? आयोडीन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो आंसर देखते हैं, घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है हमारे शरीर में? लीवर में, आमाशय में, किडनी में या अस्थि मज्जा बोन मैरो में? विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है? ए लीवर, बी आमाशय, सी किडनी, डी अस्थि मज्जा। आंसर देखते हैं, विटामिन ए जो है वो हमारे लीवर में संचित रहता है, यकृत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118। सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन E? सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन E? तो सब्जी में जो है वो विटामिन D नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119। कौन सा विटामिन वसा में नहीं घुलता? ठीक है, वसा यानी फैट में नहीं घुलता, फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन E या विटामिन K? आंसर देखते हैं, तो कौन सा विटामिन वसा में नहीं घुलता है? तो विटामिन B जो है वो वसा में नहीं घुलता, पानी में घुलता है। ठीक है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सबको खून दे सकता है? विटामिन ब्लड ग्रुप B, O, A या AB? ठीक है, तो ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव या AB पॉजिटिव? तो जो सर्वदाता यानी सबको खून दे सकता है यूनिवर्सल डोनर है वो जो है, जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है। तो ये 150 क्वेश्चन थे ICDS से रिलेटेड। अब हम जो है वो शुरू करते हैं जो नॉन ICDS वाला पोर्शन है। शुद्ध शब्द क्या है? तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? तो मैंने बताया था उज्जवल में जो है दो आधे जो आएंगे। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन गलत है, लिखने में हम यही गलती करते हैं। गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? त्रिपथगा, अमीय, धरणी, वसुमती। गंगा का पर्यायवाची क्या है? त्रिपथगा, अमीय, धरणी या वसुमती? तो आंसर है, गंगा का पर्यायवाची जो है वो त्रिपथगा है। ठीक है, फिर है आंसर क्वेश्चन नंबर 123। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? ठीक है, नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है, नीला है कंठ जिसका, यानी शिव जी। ठीक है, तीसरे के लिए जो है वो। फिर है प का उच्चारण स्थान, प फ ब भ म, कंठ, तालु, मूर्धा, होष्ठ। प का उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, होष्ठ। तो प फ ब भ म जो है ये होठ
उष्ट से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, काली गाय दूध देती है, इसमें विशेषण क्या है? गायें दूध काली या देती? काली गाय दूध देती है, इसमें विशेषण क्या है? आंसर देखते हैं, तो जो काली है वो विशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? एजेंसी की सही स्पेलिंग क्या है? तो आंसर देखते हैं, सही स्पेलिंग है इसका बी ऑप्शन, AGENCY, एजेंसी। ठीक है, 126 का बी जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 127, हैप्पीनेस का एंटोनिम क्या है? उल्टा, विलोम शब्द हैप्पीनेस का। कंटेंटमेंट, ग्रीफ, ब्यूटीफुल या डिलाइट? हैप्पीनेस का एंटोनिम क्या है? कंटेंटमेंट, ग्रीफ, ब्यूटीफुल या डिलाइट? आंसर देखते हैं, हैप्पीनेस का जो एंटोनिम है वो ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128, करेक्ट वर्ड विद प्रीफिक्स इन, तो इन को मिलाकर प्रीफिक्स इन यानी कि उपसर्ग है ये, किसी शब्द के आगे अगर इन लगेगा तो कौन सा सही शब्द बनेगा? इनडिफरेंट, इन रेस्ट, इन लॉ या इन गेम? इनडिफरेंट, इन रेस्ट, इन लॉ या इन गेम, कौन सा सही शब्द है? तो आंसर देखते हैं, तो जो इनडिफरेंट है वो सही शब्द है इन प्रीफिक्स को लगाने से। इन लॉ भी बनता है, लेकिन इन लॉ में बीच में हाइफन का साइन आ जाता है, इन अलग है, लॉ अलग है, लेकिन जब इनडिफरेंट लिखते हैं तो बीच में कहीं पे भी कोई गैप नहीं होता, इन लॉ लिखने पे गैप आता है। ठीक है, पोस्ट माउस का क्या मीनिंग है? ठीक है, क्रैंकी, ब्रिलियंट, सैड या आफ्टर डेथ? तो आंसर देखते हैं इसका, तो मरने के बाद जो है ठीक है उसको बोलते हैं पोस्ट माउथ। ठीक है, फिर है प्रूरल, गूस का क्या प्रूरल है? ठीक है, गूस, गूजिस, गीस या गूजिंग? ठीक है, तो आंसर देखते हैं, गूस का जो प्रूरल है वो है गीस। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे हिंदी इंग्लिश के, 8 ही 8 आए हैं पहले भी, तो हमने 5-5 क्वेश्चन लिए थे। महाकाली लेक किस जिले में है? चंबा, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर। महाकाली लेक किस जिले में है? चंबा, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर। आंसर देखते हैं, महाकाली झील जो है चंबा जिले में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132, किन्नौर जिले का मुख्यालय क्या है? कल्पा, केलोंग, काजा, रिकांगपियो। किन्नौर जिले का मुख्यालय क्या है? कल्पा, केलोंग, काजा, रिकांगपियो। आंसर देखते हैं, किन्नौर जिले का मुख्यालय जो है वो रिकांगपियो है। क्वेश्चन नंबर 133, हिमाचल का सबसे दूसरा सबसे छोटा जिला? ए हमीरपुर, बी बिलासपुर, सी ऊना, डी सोलन। हिमाचल का दूसरा सबसे छोटा जिला एरिया वाइज क्षेत्रफल के आधार पर, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन। तो आंसर देखते हैं, बिलासपुर हिमाचल का दूसरा सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला हमीरपुर, दूसरा सबसे छोटा जिला बिलासपुर, तीसरा जो है वो ऊना। हिमाचल का पश्चिमी पश्चिम में स्थित राज्य कौन सा है? हिमाचल के पश्चिम में कौन सा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, यूपी या जम्मू कश्मीर? हिमाचल के पश्चिम में जो है वो आंसर देखते हैं, हिमाचल के पश्चिम में जो है वो पंजाब राज्य स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135, सच पास चंबा को किससे जोड़ता है? भरमौर, चुराह, पांगी या सलूनी से? सच पास चंबा को किससे जोड़ता है? भरमौर, चुराह, पांगी या सलूनी को? तो सच पास जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है। ठीक है, फिर है रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रा, सिपकी चोटी, बड़ा बंगाल या मणिमहेश? रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग पास, सिपकी दर्रा, सिपकी पास पीक यानी चोटी, बड़ा बंगाल, मणिमहेश। तो रावी नदी का उद्गम जो है वो बड़ा बंगाल कांगड़ा से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, विधानसभा की कितनी सीटें हैं कांगड़ा जिले में? 8, 10, 15 या 16? तो कांगड़ा जिले में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 8 सीटें, 10 सीटें, 15 सीटें या 16 सीटें? तो विधानसभा की जो है कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा सीटें हैं 15 सीटें, पहले 16 थी, घटके 15 हो गई और कुल्लू में बढ़ के 4 हो गई थी इनसे। ठीक है, पहला नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हिमाचल का पहला कौन गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था? ये 1977 में बने हैं, वाईएस परमार, ठाकुर रामलाल, प्रेम कुमार धूमल या शांता कुमार? वाईएस परमार, ठाकुर रामलाल, प्रेम कुमार धूमल या शांता कुमार? तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे शांता कुमार, 1977 में बने थे ये। ठीक है, फिर 139 क्वेश्चन, सोलन गोला किसकी वैरायटी है? प्लम की, एप्पल की, टमाटो की, पोटैटो की? प्लम की, सेब की, टमाटर की या आलू की? तो सोलन गोला जो है वो टमाटर की जो है वो किस्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, हिमाचल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? जुब्बरहट्टी, भुंतर, गग्गल या मंडी? हिमाचल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जुब्बरहट्टी, भुंतर, गग्गल या मंडी? आंसर देखते हैं, हिमाचल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो गग्गल है। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे ये किताब किसकी है? वाई एस परमार, शांता कुमार, बीके शर्मा, राहुल सांकरतायन?
पहाड़ बिगाने नहीं होंगे, ये किताब किसकी है? वाई एस प्रमाण, शांता कुमार, बीके शर्मा या राहुल सांकता? आंसर देखते हैं, पहाड़ बिगाने नहीं होंगे, ये किताब जो है वो शांता कुमार की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142, कौन सी विधानसभा सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति की नहीं है, एसटी की नहीं है? पांगी भरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति या चुरा? पांगी भरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति या चुरा? तो आंसर देखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में तीन सीटें जो है वो एसटी की हैं, पांगी भरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति। चुरा जो है वो एससी की सीट है, ठीक है, एसटी की नहीं है। तीन ही सीटें एससी की हैं, 17 एससी की हैं, टोटल 20 जो है वो है। ठीक है, फिर है हिमाचल का राजकीय खेल क्या है? हिमाचल का जो है वो राजकीय खेल क्या है, स्टेट गेम हिमाचल का? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या हॉकी? कबड्डी भी हम इसमें लिख सकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी या कबड्डी। तो आंसर देखते हैं, तो वॉलीबॉल जो है वो हिमाचल का राजकीय खेल है। ठीक है, फिर है हिमाचल में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? चंबा, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? चंबा, सिरमौर, किन्नौर या लाहौल स्पीति? ओवरऑल है ये, महिला पुरुष दोनों के मिलाकर, तो चंबा जिले की सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, फिर है हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? विपिन परमार, सुरेश भारद्वाज, सरवीन चौधरी, रामलाल मारकंडे। ठीक है, विपिन परमार, सुरेश भारद्वाज, सरवीन चौधरी, रामलाल मारकंडे। तो हिमाचल के शिक्षा मंत्री जो है सुरेश भारद्वाज है और कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे है। ठीक है, नेशनल केमिकल लैब कहाँ पर स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे? नेशनल केमिकल लैब कहाँ पर स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे? आंसर देखते हैं, पुणे में स्थित है ये, पुणे महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना आप, नेशनल केमिकल लैब, और यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी जो है वो यहीं पे स्थित है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी जिसको कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई, न्यू दिल्ली, भोपाल या कलकत्ता? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल या कलकत्ता? आंसर देखते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 148, पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, दुनिया की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, फतेह किया जिसने? जुमको तवेई, संतोष यादव, डिक्की डोलमा या एडमंड हिलेरी? ठीक है, एडमंड हिलेरी, आंसर देखते हैं फिर बात करेंगे, जुमको तवेई, संतोष यादव, डिक्की डोलमा, एडमंड हिलेरी। ठीक है, तो जुमको तवेई है जापान की, ये पहली महिला 1975 के आसपास जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, संतोष यादव नहीं है ये बात। ठीक है, जुमको तवेई जापान की है, और एडमंड हिलेरी और जो तेंजिंग नोर्गे हैं ये पहले पुरुष थे। ठीक है, अर्जुन अवार्ड कब से देना शुरू किया गया? 1951, 1961, 1975, 1992 अर्जुन अवार्ड। 1951, 1961, 1975, 1992, तो अर्जुन अवार्ड जो है 1961 से मिलने शुरू हुए हैं। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये 1992 से मिलता है। ठीक है, भारत ने सबसे पहले ओलंपिक गेम में कब शामिल हुआ? भारत सबसे पहले किस ओलंपिक गेम में शामिल हुआ, 1920 के, 1928 के, 1948 के या 1896 के? आंसर देखते हैं, भारत सबसे पहले किस ओलंपिक गेम्स में जो है उसने पार्टिसिपेट किया था, 1920, 1928, 1948, 1896? तो भारत ने सबसे पहले 1920 के ओलंपिक गेम्स में जो है वो पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और 1896 से जो है वो ओलंपिक गेम्स जो है वो शुरू हुए हैं, और 1928 में पहली बार हॉकी में जो है वो पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, पहला एशियाई खेल कहां पर हुए थे? 1951 में हुए थे, 1951 में पहले एशियाई खेल। चीन, जापान, साउथ कोरिया या भारत? पहले एशियाई खेल कहां पर हुए थे, चीन, जापान, साउथ कोरिया या भारत? तो पहले एशियाई खेल जो है वो 1951 में, 1951 में भारत में हुए थे, और फिर 1982 में भी भारत में आयोजित किए गए थे। टोडा कहाँ के जो जनजाति है, किस राज्य की जनजाति है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। टोडा ट्राइब्स कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल? तो टोडा जो जाति जनजाति है वो तमिलनाडु की है। ठीक है, भैंसे पालते हैं ये। सिस्टर ऑफ अर्थ किस प्लैनेट को कहा जाता है, पृथ्वी की बहन किस प्लैनेट को कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है? मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर। मार्स मतलब मंगल, मरकरी मतलब बुध, वीनस मतलब शुक्र, जुपिटर मतलब बृहस्पति। तो जो सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है वो वीनस को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, दिसपुर, कोहिमा, इम्फाल? मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, दिसपुर, कोहिमा, इम्फाल? आंसर देखते हैं, मेघालय की राजधानी जो है वो शिलोंग है। ठीक है, दिसपुर आसाम की है। ठीक है, नागालैंड की कोहिमा और मणिपुर की इम्फाल। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे हम कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 8 अप्रैल, 3 दिसंबर? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे
24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 8 अप्रैल, 3 दिसंबर। आंसर देखते हैं, 10 दिसंबर को हम जो है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, 24 अक्टूबर को ह्यूमन डे मनाते हैं, ठीक है। 3 दिसंबर को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, विकलांगता दिवस है वैसे, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है, गेहूं, चावल, गन्ना या मक्का, वीट, राइस, शुगर केन या मेज। भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है क्षेत्रफल के आधार पर, गेहूं, चावल, गन्ना या मक्का। तो चावल जो है वो भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास या मदन मोहन मालवीय को। तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास या मदन मोहन मालवीय। तो आंसर देखते हैं, देश बंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता था, ठीक है, चित्तरंजन देश बंधु के नाम से जाना जाते थे। और सी एफ एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता था, सी एफ एंड्रयूज, दीन बंधु। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य हिमाचल का, सॉरी भारत का, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है, 17.6 लाख के आसपास सिक्किम की पॉपुलेशन, और सबसे कम एरिया 3702 के आसपास जो है वो, एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य गोवा, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा राज्य सिक्किम, और पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। गीत गोविंद किसने लिखा, बाणभट्ट, कालिदास, जयदेव या भरत मुनि। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया, बाणभट्ट, बी कालिदास, सी जयदेव, डी भरत मुनि। आंसर देखते हैं, गीत गोविंद जयदेव की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन कब जो है वो उसका गठन हुआ या एग्जिस्टेंस में आया, 1992, 1993, 1994, 1995। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है वो कब जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, तो आंसर देखते हैं, 92, 93, 94, 95। तो WTO जो है 1995 में आया, ठीक है, इससे पहले इसको गैट के नाम से जानते थे। महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 1915, 1917, 1919, 1920। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 1915, 1917, 1919, 1920। तो 1915 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और ठीक है तभी हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। 1917 में उन्होंने पहले सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया, 1944, 45, 46 या 47। कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया, 1944, 1945, 1946, 1947। तो ये 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान भारत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163, दुनिया की सबसे दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, अमेरिका, भारत, चीन या जापान। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, अमेरिका, भारत, चीन या जापान। तो दुनिया की जीडीपी के आधार पे कह लीजिए या जैसे भी, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है, पहले नंबर पे जो है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे जो है वो चीन है, ठीक है। फिर है सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। आंसर देखते हैं, तो सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन जो है कोकोनट का वो केरल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165, सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, सार्क का गठन जो है 8 देशों का समूह है ये, ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों का समूह है ये 8 देशों का। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ, 1984, 1985, 1986 या 1987। सार्क का गठन कब हुआ, 1984, 1985, 1986 या 1987। तो सार्क का गठन जो है वो 1985 में हुआ है, ठीक है। काठमांडू इसका मुख्यालय है। सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। भारत के किस राज्य की सबसे कम साक्षरता दर है, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो सबसे कम साक्षरता दर जो है वो बिहार की है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 167, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में है जो उसकी राजधानी है, कोलकाता में, चेन्नई में या भुवनेश्वर में, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वहां पर उसका हाई कोर्ट, कोलकाता, चेन्नई या भुवनेश्वर। तो अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट जो है वो कोलकाता में है, बेंच पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से समान नागरिक संहिता जो है उससे कौन सा अनुच्छेद जो है वो डील करता है, विच आर्टिकल डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45, आर्टिकल 44, आर्टिकल 368, आर्टिकल 32। आंसर देखते हैं,
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है आर्टिकल 44 डील करता है, जबकि 6 साल तक के बच्चों से 45 डील करता है, संविधान संशोधन से 368 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें रिट्स हैं, वो आर्टिकल 32 है, जिसको संविधान के हृदय और आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आर्टिकल 32। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है वो आर्टिकल 44 डील करता है। क्वेश्चन नंबर 169, हाल ही में कोरोना वायरस से कौन सा ओलंपिक गेम कैंसिल किया गया और वो कहाँ होना था वो ओलंपिक गेम, लंदन में, पेरिस में, टोक्यो में या रियो द जेनेरो में? तो कौन सा ओलंपिक गेम जो है कोरोना वायरस से कैंसिल किया गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लंदन, पेरिस, टोक्यो, रियो द जेनेरो? तो लंदन में ओलंपिक गेम्स 2012 में हुए थे, ठीक है, रियो द जेनेरो में 2016 में हुए थे, तो अभी टोक्यो में 2020 में होने थे, उसको कैंसिल करके अब 2021 में होंगे ओलंपिक गेम्स। पहले भी कैंसिल हुए ओलंपिक गेम्स, ठीक है, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, वर्ल्ड वॉर की वजह से हुए कैंसिल, ठीक है, पहले और दूसरे विश्व युद्ध की वजह से ही ओलंपिक गेम्स कैंसिल हुए हैं, लेकिन ये पहली बार है कोरोना वायरस की वजह से कोई गेम कैंसिल हो गया। 19 लास्ट क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवने, राजेश राकेश कुमार भदौरिया, एडमिरल करमवीर सिंह या शरद अरविंद बोबड़े? ठीक है, आंसर देखते हैं फिर बात करते हैं, ये करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर याद रखना, MM नरवने, मनोज मुकुंद नरवने, जनरल MM, क्योंकि जनरल मैंने इसलिए लगाया, नहीं तो आपको पता लग जाता, क्योंकि आर्मी की सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है जनरल होती है, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है जनरल, जनरल मनोज मुकुंद नरवने जो है वो हमारे आर्मी के जो है वो जनरल है, ठीक है, वो है। राकेश कुमार भदौरिया जो है वो एयरफोर्स एयर चीफ ऑफ स्टाफ है, ठीक है, और एडमिरल करमवीर सिंह जो है नेवी के हैं, और शरद अरविंद बोबड़े ये इस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश भारतीय सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, कुछ चेंज भी हो गए होंगे पर ये मेन जो है मेन सर शरद अरविंद बोबड़े याद रखना, और MM नरवणे ये याद रखना, और भी जो है करंट अफेयर आपने जरूर देखना है, ठीक है, थैंक यू। काफी लंबा वीडियो बन गया उम्मीद है, क्योंकि लेकिन ये इतना बनना ही था, धन्यवाद।